अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैंने सोचा कि आप लोग को जो है वो तैसर टाउन का जो है फ़ेज़ वन की जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपडेट के साथ जो है आपको ये वीडियो पेश करूं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल से जो जुड़े रहते हैं और वो जो मेरे इस चैनल पे जो है वो फ़र्स्ट टाइम है, उनसे चाहिए रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वक्त मैं नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर हूँ, M10 के ऊपर, और यहाँ से अब मैं सीधे हाथ पे जो टर्न लूँगा, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, ये डबल रोड है, तैसर टाउन फेज़ वन का ये दिल है, इशारा है तैसर कहलाती है। आप देख रहे होंगे बाइक वगैरह यहाँ से आ रही हैं, ये गाड़ियाँ वगैरह भी आ रही हैं। तो ये सामने जो है तैसर टाउन का आपको नज़र आ रहा होगा, ये तैसर टाउन फेज़ वन का मेन गेट है, जिसको अगर आप मुस्तकबिल का गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल भी कहें तो बेजा नहीं होगा, क्यों आगे चल के ये जो M10 है, कई इसमें कई लेन होंगी, ये बनेंगी, तो उससे ये जो सेक्टर है फेज़ वन का, इसमें तकरीबन जो है वो नौ सेक्टर हैं फेज़ वन में। और ये जो है आप देख रहे होंगे, ये इस वक्त यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, और काफ़ी आज जो है वो यहाँ पर जो है रेल पेल भी है, क्योंकि संडे का दिन है, लोग आ रहे हैं और विज़िट भी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जगह है, अगर आपने तैसर टाउन में अभी तक कोई प्लाट नहीं ख़रीदा है, और अगर आपने जो है वो तैसर टाउन के अंदर कुरानदाजियों में अभी तक हिस्सा लिया था और आपका मुख्तलिफ निकला, किसी का फ़ेज़ वन में निकला था, किसी का फ़ेज़ टू में निकला था, और जो अभी 2019 में जो बैलेटिंग हुई थी तो उसमें किसी के प्लॉट निकले, और बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जो है वो तैसर टाउन के अंदर जो है वो प्लाट हासिल नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि अगर अभी भी वो जो है कि उन्होंने प्लाट नहीं लिया है, तो मेरा तो मशवरा ये है कि अगर आपने आगे जाके अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है कुछ चीज़ें बनानी हैं, तो इस फेज़ वन में सेक्टरों में जो है वो प्लाट ख़रीदें। और यहाँ पर क्योंकि फ़ेज़ वन में जो भी डेवलपमेंट होगी, और यहाँ पर जो है वो फ़ेज़ वन में होगी, और इसके सेक्टरों में आप ले सकते हैं, अभी ख़रीदो फरोख्त जारी है, और प्लाट अच्छी लोकेशन के जो है वो अवेलेबल हैं, और इसके सामने जो है वो गार्डन सिटी भी है। मेन नॉर्दर्न बाईपास है, और मैं एक बार फिर आपको बोलूँगा कि अगर आपने ख़रीदारी करनी है, प्लाट लेना है, कोई अच्छा प्लाट लेना है, तो फ़ेज़ वन में लें। यहाँ पर 9 सेक्टर हैं, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 88 भी है, और आप लोग जो है इन सेक्टरों में प्लाट ले लें, क्योंकि ये मुस्तकबिल का गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल बनेगा। एक वक्त था जब गुलशन इकबाल को जो है वो लोग कहते थे काफ़ी दूर जो है, काफ़ी दूर आबाद है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, ये मलीर कुरंगी से जो लोग थे, शाह फैसल कॉलोनी से, इस साइड से जो लोग समझते थे कि जो ये गुलशन इकबाल है बहुत दूर है, लेकिन आज वो जिनकी प्रॉपर्टी, उन्होंने जो प्लाट बुक कराए थे, जिनके प्लाट है अब वो करोड़ों रुपये में हैं, 4-4 करोड़, 6-6 करोड़ का प्लाट है 400 गज का गुलिस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में। अव्वल तो प्लाट्स अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन इस वक्त बेहतरीन मौका है कि आप लोगों ने अगर कुछ अपने पैसों को उसको सही जगह पे लगाना है, बैंक में डालने से बेहतर है कि आप जो है वो प्लाट ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, MDA की स्कीम है, लीगल स्कीम है, कोई यहाँ पर डबलिंग नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इस सेक्टर में जो है वो फ़ेज़ वन में ही मैं काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मशवरा भी कि एग्ज़ाम दिए जहाँ परसेशन हो रहे हैं वहाँ आप काम करें, तो मैंने उनकी एक बात को पकड़ा हुआ है। और अगर आप कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, कोई बेचना चाहते हैं, और आप कोई मशवरा चाहते हैं, तो मेरे से रुजू कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको जो है वो दे दूँगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और मेरे इस चैनल पे मज़ीद वीडियो मौजूद है जो मैं 2017-18 से बना रहा हूँ, वो मौजूद है, जब तो आपको इस सिलसिले में कोई भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मेरे से राबता कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।